हमारे जो 3,000 बेवाएं हैं उसका सामना करें, हमारे सवालों का जवाब दें कि हमें क्यों कत्ल किया गया। बाजवा साहब, खुदा ना करे कि आपका बच्चा आपके लाश पे ऐसे ही चीख मारे जिस तरह आज हमारा वो बच्चा चीख रहा था। गुज़श्ता 20 सालों से हमारे कबीले के लोग कोल्ड ब्लडेड मारे जा रहे हैं, जिसमें 3,000 के लगभग जो है हमारे सिर्फ मेल मेंबर मारे गए हैं। In a certain sense, there is a barrier that has been placed around this community and is further isolating them from the rest of the community. So it creates a psychological divide between the Hazaras and the rest of Quetta. चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं आते, क्योंकि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ही बलूचिस्तान को के अमन अमान की जिम्मेदारी उन्होंने ली हुई है बेसिकली, तो सूबाई गवर्नमेंट के पास वो इख्तियार नहीं है। आर्मी चीफ को मैंने कहा कि हमारे लोगों के रिहेबिलिटेशन पे काम किया जाए, आप उनको भी पता है कॉन्फ्लिक्ट के बाद क्या होता है। उन्होंने कहा हम जल्द से जल्द इस पे काम करेंगे। दूसरा हमने कहा कि चेक पोस्ट, ऐसी चेक पोस्टों पे लोगों को डाउट है कि इसके बीच जो है लोग कत्ल होते हैं ना, बातें थी तो उन्होंने वो कर दिया, हमें यकीन दिलाया। The government must do more to overcome these issues that exist around this area and actually act on the National Action Plan and to actually take it seriously and to clamp down on these the mosques and the clerics and all of these that are actually spewing this hatred, but also to provide the community with easy access and free mobility to these places. Young leaders like Advocate Jalila Haider, who exhibited amazing patience and courage in the face of a lot of adversity, and by highlighting herself as a leading voice in these circumstances, has also again gravely endangered her life. But her courage speaks volumes. इस जिक्र करीदा लोगों को, इस गमसदा लोगों को गैर मुल्की कहकर अपने आप को हमसे अजनबी कर दिया। हम तुम्हारे साथ हैं।